हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नील, आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रहंत रियल एस्टेट में। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 1 BHK फ्लैट अवेलेबल है, प्लस सबसे अच्छी बात है आपको यहाँ पे फ्लैट के साथ मिलेगी पार्किंग। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंट्रेंस लॉबी है वो काफ़ी अच्छा है। प्लॉट जो है वो ट्राई पार्टी प्लॉट आपको यहाँ पे मिलेगा, रेडी टू मूव है, OC रिसीव्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, और काफ़ी बढ़िया कॉर्नर का फ्लैट और प्लॉट होने के कारण आपको जो हवा वेंटिलेशन है वो काफ़ी बढ़िया आपको इस फ्लैट के अंदर, ये वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्रेंस लॉबी है, यहाँ पे अपना लिफ्ट भी है, पोजीशन भी दे चुके हैं लोगों को। यहाँ पे अभी 2-3 फ्लैट बचे हैं दोस्तों। जिनको भी अगर ये फ्लैट या वीडियो, ये बिल्डिंग अच्छी लगती है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना विजिट कंफर्म कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हो पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, अभी एक ही पार्किंग बचा है फ्लैट के लिए। तो जिनको भी फटाफट अगर पार्किंग नेसेसरी है 1 BHK के साथ, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम देखने वाले अभी फ्लैट कैसा रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बिल्डिंग भी दिखाना चाहूँगा। दोस्तों आप देख सकते हो जो बिल्डिंग का जो लोकेशन है वो कॉर्नर का है। जो बिल्डिंग है एक बंगलो के जैसे आपको यहाँ पे बिल्डिंग मिलेगी दोस्तों। सेक्टर 24 में ये प्रोजेक्ट है और काफ़ी बढ़िया है। कॉर्नर का बिल्डिंग होने के कारण आपको हवा वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया मिलता है दोस्तों। तो चलिए ऊपर जाके देख लेते कैसा रहेगा अपना ये फ्लैट। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बिल्डिंग के अंदर। आप देख सकते हो जो फ्लैट के सामने जो हमें स्पेस मिलता है लॉबी स्पेस, तो कुछ इस टाइप का रहेगा आपका लॉबी स्पेस। यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे मिलते हैं 4 फ्लैट, यहाँ पे लिफ्ट है और इस साइड में अपने 4 फ्लैट, पूरे 1 BHK फ्लैट आपको यहाँ पे मिलते हैं। जिनका बजट थोड़ा बहुत कम है तो यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट 1 BHK भी मिलने वाला है दोस्तों। साइज़ की बात करेंगे तो सभी फ्लैट का साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम फ्लैट के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है, इसीलिए थोड़ा बहुत बजट आगे पीछे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इंटर करते हैं अपने परफेक्ट वास्तु वाले फ्लैट के अंदर। तो आप देख सकते हो ये रहेगा आपका हॉल। तो दोस्तों हम इसे बोले कि परफेक्ट वास्तु वाला फ्लैट। ये जो फ्लैट है दोस्तों, तो ये परफेक्ट वास्तु इसलिए है दोस्तों, इसका जो डायरेक्शन है परफेक्ट ईस्ट वाला डायरेक्शन आपको ये फ्लैट के अंदर मिलता है दोस्तों। जो किचन का डायरेक्शन है वो अग्नि को मिलता है, जो अपना टॉयलेट बाथरूम है वो रहेगा अपना वेस्ट को, और जो अपना एक बेडरूम है तो वो आपको ईशान्य को मिलता है, यानी कि हवा वाली दिशा। इसका जो बेडरूम है वो काफ़ी ठंडा रहेगा दोस्तों, ये वास्तु के हिसाब से अगर बात करेंगे तो। तो कुछ इस टाइप का अपना ये फ्लैट रहेगा दोस्तों। हॉल का जो साइज़ है, जो किचन का साइज़ है और जो बेडरूम का साइज़ है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और ये जो फ्लैट है दोस्तों आपको मिलेगा रोड फेसिंग, तो आपको आपके फ्लैट के अंदर काफ़ी बढ़िया हवा वेंटिलेशन लाइफ टाइम रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लैट का अभी पूरे विंडोज़ बंद होने के कारण भी आपको जो वेंटिलेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अभी इंटर करते अपने किचन के अंदर। तो किचन जो रहेगा दोस्तों कुछ इस साइड का रहेगा किचन। जो साइज़ है किचन का थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर छोटी फैमिली है या किचन उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक फ्लैट है जो से फर्निश, मैंने सेम बिल्डिंग के अंदर वाला एक फ्लैट फर्निश वाला डाला है दोस्तों। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। तो किचन काफ़ी बढ़िया बन जाता है दोस्तों, इतना कंजेस्टेड नहीं बनेगा जैसे कि आप सोचोगे जैसे किचन देखने के बाद। तो किचन जो है वो काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, और यहाँ पे भी आप एक बॉक्स ग्रिल बैठा के अपना जो भी गैस सिलेंडर वगैरह कुछ यहाँ पे रख सकते हो दोस्तों। अभी यहाँ पे जो फिटिंग्स वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी है। किचन वन साइडेड प्लेटफॉर्म है, आपको अगर फ्रिज वगैरह रखना है तो दोस्तों कुछ इस साइड में रहेगा अपना फ्रिज वाला जगह। तो यहाँ पे फ्रिज के लिए भी स्विच दिया गया है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम रखते हैं फ्रिज तो आपका जो वास्तु बैलेंस है वो परफेक्ट रहेगा दोस्तों। अभी चलते हैं दोस्तों अपने बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम के अंदर जाते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा अपना बाथरूम और टॉयलेट। आप देख सकते हो जो टॉयलेट का जो साइज़ है, जो बाथरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। बड़ा बाथरूम है यहाँ पे, जो फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है, जो टाइल्स अंदर यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। जो साइज़ है बाथरूम का वो काफ़ी बड़ा है, और जो टॉयलेट का भी जो दिशा है वो भी काफ़ी अच्छी है। जो टॉयलेट के अंदर आपको जो टाइल्स वगैरह जो यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो टॉयलेट के बाहर आपको जो बेसिन मिला है, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे बेसिन मिलता है दोस्तों। अभी इंटर करते हैं अपने बेडरूम के अंदर। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा अपना बेडरूम। जो साइज़ है बेडरूम का वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे स्पेसियस है। जो आपको अगर लगे कि यहाँ पे अपना जो कपबोर्ड है, बेड है, तो कैसे एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों।
तो मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, तो वहाँ पे फुल्ली फर्निश्ड वाला फ्लैट है सेम बिल्डिंग के अंदर। तो वो जो फ्लैट में है आपको प्रॉपरली आपको जो कपबोर्ड भी है और जो 5x6 का बेड है वो प्रॉपरली बेड के भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मूव करने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और जो बेडरूम भी है दोस्तों आपको मिलता है रोड फेसिंग, तो इसके वजह से आपके फ्लैट के अंदर देखो आप देख सकते हो यहाँ पे सनलाइट और हवा काफ़ी बढ़िया आ जाती है दोस्तों। और ये जो स्टेशन से डिस्टेंस की बात करेंगे तो लगभग आपको 1.5 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस रहेगा स्टेशन से। दोस्तों अगर फ्लैट अच्छा लगा तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना विजिट कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। अगर प्राइस की बात करेंगे दोस्तों तो ये जो फ्लैट है आपको अगर पार्किंग लेते हो तो ये 42-43 के रेंज में चला जाएगा, और विदाउट पार्किंग अगर लेते हो तो 40 के रेंज में आपको ये फ्लैट मिल जाएगा दोस्तों। और एक बात कह रहा हूँ दोस्तों, प्राइस और जो पार्किंग है वो अलग अलग है दोस्तों, और पार्किंग एक ही बचा है दोस्तों, और ये साइट का फ्लैट है वो भी एक ही बचा है दोस्तों। अगर पार्किंग और फ्लैट दोनों भी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है दोस्तों, क्योंकि 1BHK फ्लैट को आपको कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिलता दोस्तों। तो अगर पार्किंग के साथ फ्लैट चाहिए तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अभी मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर एक छोटा वाला भी फ्लैट दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंदर कंटिन्यू देखते जाइए दोस्तों। तो दोस्तों इंटर करते अभी जो कॉम्पैक्ट 1BHK मैंने जैसे बोला, एक्चुअली ये कॉम्पैक्ट 1BHK नहीं है, इसमें जो टॉयलेट है आपको वो कॉमन रहेगा दोस्तों। लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है दोस्तों, आपको जो इसका टॉयलेट बाथरूम है वो सेपरेट करते आने वाला है दोस्तों। अगर आप इसको मास्टर बेडरूम बनाना चाहोगे तो आपका ये जो फ्लैट है ये मास्टर बेडरूम बन जाएगा दोस्तों। और एक बात है जिस दोस्तों, ऊपर वाले फ्लैट को इतना बड़ा बालकनी नहीं था, जैसे कि इसको ये बड़ा बालकनी मिलता है दोस्तों। इसका जो हॉल का जो साइज़ है, लंबाई, वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर आप चाहो फर्नीचर करने के लिए तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसको फर्नीचर कर सकते हो दोस्तों। ये भी फ्लैट आपको मिलेगा रोड फेसिंग, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो कॉर्नर का बिल्डिंग होने के कारण आपको दोनों भी रोड का व्यू मिल जाता है दोस्तों। अभी इसका किचन की भी बात करेंगे दोस्तों, तो इसका किचन भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्रिज रखने के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है दोस्तों। अभी यहाँ पे जो पहले वाले फ्लैट के अंदर आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन की रखने के लिए भी स्पेस मिलता है दोस्तों। ये जो किचन है वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। अभी दोस्तों अभी मैं आपको जो बोलने वाला हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलता है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, अभी देखो आप अगर यहाँ पे मास्टर बेडरूम बनाना चाहोगे तो बीच में से आप एक दीवार करके इस साइड में जहाँ पे आपका जो इस साइड का जो पोर्शन है वहाँ से आप दरवाजा निकाल के अपना ये जो बेडरूम है मास्टर बना सकते हो दोस्तों, कि मास्टर बेडरूम बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भी और एक अलग से इंग्लिश कमोड लगा सकते हो दोस्तों। अभी इंटर करते अपने बेडरूम के अंदर, तो कुछ इस टाइप का रहेगा आपका बेडरूम। आप देख सकते हो जो साइज है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और ये वाला जो बेडरूम है दोस्तों, ये भी आपको मिलेगा रोड फेसिंग। आप देख सकते हो यहाँ से हमें दिखाई देगा अपना बेलापुर उरन वाला रोड। तो जो फ्लैट है, जो बिल्डिंग है, वो काफ़ी अच्छा है, ट्राईपार्टी प्लॉट है, तो किसी भी बैंक का लोन आपको ये फ्लैट के अंदर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों। चैनल पे नए हो या पुराने हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब दोस्तों, ताकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं प्लीज़, तो मैं आपको उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि फ्लैट के अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।